हेलो फ्रेंड वेलकम सत्य में जाते हैं आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ हमने हेडिंग में लिया है महत्वपूर्ण जानकारी जैसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं या साइंस के तथ्य होते हैं अदर चीज़ का तथ्य जो होता है उस पर हम बात करेंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आइए हम इसे गहनता से देखते हैं ठीक है और देखते देखते यूँ ही हमें माइंड में भी चला जाएगा और माइंड में अच्छे तरीके से सेट से भी हो जाएगा तो आइए हम इसे समझते हैं तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा कहता है हमारा सौरमंडल मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है हमारा जो सौरमंडल है मंदाकिनी, वो कहाँ पर स्थित है तो आकाश गंगा में स्थित है कहाँ पर दोस्तों स्थित है आकाश गंगा में स्थित है हम बोलेंगे अरुण और वरुण को दो सहोदर भाई के नाम से भी जाना जाता है किसके किसको अरुण और वरुण क्या है अरुण और वरुण को किसके नाम से जाना जाता है दो सहोदर भाई के नाम से भी जाना जाता है अब जानते हैं उत्तरी ध्रुव 21 जून से 22 सितंबर क्या क्या है 21 जून से 22 सितंबर तक हमेशा प्रकाश में रहता है। कौन सा कौन सा है -right? उत्तरी ध्रुव 21 जून से कैसा कैसा डेट याद रखेंगे 21 जून से 22 सितंबर 21 जून से 22 सितंबर जो उत्तरी ध्रुव में है ठीक है हमेशा क्या चीज रहता है प्रकाश में रहता है किस में रहेगा प्रकाश में 21 जून से 22 सितंबर 21 जून से 22 सितंबर उत्तरी ध्रुव जो हमेशा क्या चीज में रहता है प्रकाश में रहता है अब जानते हैं एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को उपसौर कहा जाता है क्या कहा जाता है अपसौर क्या कहा जाता है अपसौर कहता है एक ग्रह के अपने कक्ष में मतलब कोई ग्रह है जो अपना कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी मतलब कोई ग्रह है तो ग्रह का क्या होता है सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है अधिकतम दूरी मतलब अप अप मतलब क्या बहुत ज़्यादा ठीक है तो उसे अपसौर और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है उपसौर कहा जाता है क्या कहा जाता है उपसौर न्यूनतम दूरी को उपसौर ठीक है न्यूनतम दूरी को उपसौर अधिकतम दूरी को अपसौर के नाम से जाना जाता है अब जानते हैं बाईस दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है कहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या है बाईस दिसंबर बाईस दिसंबर का दिन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है जो कहाँ पे पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है तो हम बोलेंगे किरीट भाग कौन सा भाग दिखाई देगा किरीट भाग दिखाई देगा पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारण किया जाता है पूर्वी देशांतर से भारत का भारत का मानक समय जो होता है किसका भारत का मानक समय वो कहाँ से निर्धारित किया जाता है तो पूर्वी से. से? एक एक पर चार मिनट समय का अंतर होता है कितना एक डिग्री देशांतर पे कितना पे एक डिग्री देशांतर पे कितना चार मिनट का समय अंतर होता है चार मिनट समय का अंतर होता है ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है क्या कहा जाता है कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रहण्ड से संबंधित जितने भी जानकारी होंगे या जितने भी अध्ययन होंगे उसमें क्या जाएगा ब्रहांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाता है बिग बैंग कहलाता है क्या कहलाता है बिग बैंग ब्राहड में मतलब इस दुनिया में लगातार की जो प्रसार की घटना है लगातार प्रसार की जो घटना हो रही है उसे क्या कहते हैं बिग बैंग कहते हैं क्या कहेंगे दोस्तों बिग बैंग कहेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत की संकल्पना कौन दिया था तो जॉर्ज लेमिंटर ने दिया था कौन दिया था जॉर्ज लेमिंटर ने ब्रह्मांड का उत्पत्ति का जो सिद्धांत है किसका ब्रह्मांड के उत्पत्ति का सिद्धांत जॉर्ज लेमिंटर ने दिया था कौन दिया था जॉर्ज लेमिंटर ने दिया था ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा सुपरनोवा कहलाता है सुपरनोवा तारा को किस नाम से आता है तो विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है सुपरनोवा को किस नाम से आता है तो विस्फोटी तारा विस्फोटी तारा कहने का मतलब विस्फोट करने वाला ठीक है अब है ब्रह्मांड की आयु लगभग तेरह बिलियन वर्ष आंकी गई है ब्रह्मांड की जो अपनी आयु है कब कैसे नापी गई है तो तेरह बिलियन वर्ष तेरह बिलियन वर्ष आंकी गई है ब्रह्मांड का व्यास टेन के पावर एट प्रकाश वर्ष है ब्रह्मांड का व्यास कितना है तो टेन के पावर एट प्रकाश वर्ष है रेखा पर ध्रुव से विस्वत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि बढ़ती है दिन की अवधि क्या हो जाती है बढ़ती है कैसे विस्वत रेखा से ध्रुवों की ओर मतलब विस्वत रेखा जो है उससे अगर ध्रुवों की ओर हम जाएंगे तो ग्रीष्म काल में मतलब गर्मी के समय में ग्रीष्म काल कहने का मतलब गर्मी के समय में दिन की अवधि क्या होगी बढ़ेगी सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस कहलाता है डिमोस क्या है तो डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है कितने एक वर्ष में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है एक वर्ष में तय की गई दूरी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है तो ऐसे करके ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे ठीक है उम्मीद करते आपको समझ में आया होगा समझ में आ रहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चलिए थैंक यू